हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अजंता क्रिएशन। आज हम आपके लिए लाए हैं अकबर बीरबल की चटपटी कहानियाँ। आज के इस वीडियो में हम अकबर बीरबल की कहानी सुनेंगे जिसका शीर्षक है खाने के बाद लेटना। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, और हाँ, ध्यान रहे, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे हमारी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोपहर का समय था। राजा अकबर अपने दरबार में बैठे कुछ सोच रहे थे। अचानक उन्हें बीरबल की कही हुई एक बात याद आई। उन्हें याद आया कि एक बार बीरबल ने उन्हें एक कहावत सुनाई थी जो कुछ इस तरह से थी, खाने के बाद लेटना और मारने के बाद भागना एक सियाने मनुष्य की निशानी होती हैं। राजा सोचने लगे, अभी दोपहर का समय है, यकीनन बीरबल खाने के बाद सोने की तैयारी में होगा। चलो आज उसकी बात को गलत साबित किया जाए। यह सोचकर उन्होंने एक सेवक को आदेश दिया कि इसी वक्त बीरबल को दरबार में उपस्थित होने का संदेश दिया जाए। बीरबल अभी खाना खाकर बैठे ही थे कि राजा सेवक का आदेश लेकर बीरबल के पास पहुंचा। बीरबल आदेश के पीछे छिपे राजा की मंशा भली भांति समझ गए। उन्होंने सेवक से कहा, तुम थोड़ी देर रुको, मैं कपड़े बदलकर तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। अंदर जाकर बीरबल ने अपने लिए एक तंग पजामा चुना। पजामा तंग था तो उसे पहनने के लिए उन्हें बिस्तर पर लेटना पड़ा। पजामे को पहनने का बहाना कर वह थोड़ी देर बिस्तर पर ही लेटे रहे और फिर सेवक के साथ दरबार की ओर चल दिए। दरबार में राजा बीरबल की ही राह देख रहे थे। उन्हें वहां पहुंचते ही राजा ने पूछा, क्यों बीरबल, आज खाने के बाद लेटे थे या नहीं? बीरबल ने जवाब दिया, जी महाराज, जरूर लेटा था। यह सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने बीरबल से पूछा, इसका मतलब यह है कि तुमने मेरे आदेश का असम्मान किया, तुम उसी समय मेरे सामने क्यों उपस्थित नहीं हुए? इसके लिए मैं तुम्हें सजा देता हूँ। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, यह सच है कि मैं थोड़ी देर लेटा था, लेकिन मैंने आपके आदेश की अवहेलना नहीं की। आपको मुझ पर यकीन ना हो तो आप सेवक से इस बारे में पूछ सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि मुझे इस तंग पजामे को पहनने के लिए बिस्तर पर लेटना पड़ा था। बीरबल की इस बात को सुनकर अकबर हंसे बिना ना रह सके और उन्होंने बीरबल को दरबार से जाने दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिस्थिति को भांपते हुए हमारे द्वारा उठाया गया एक कदम हमें अनेक मुसीबतों से बचा सकता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी हमारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और हाँ, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।